पेरिस ओलंपिक च कांसे दा मेडल जीतन तो बाद घर पहुंचन ते सरबजोत सिंह दा शानदार स्वागत कीता गया। दस्सिए कि पेरिस ओलंपिक दे विच 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्सड मुकाबलियां विच सरबजोत ने कांसे दा मेडल भारत दी झोली पाया, जिस तो बाद पहला एयरपोर्ट ते शानदार स्वागत होया। तो हुण जदों सरबजोत अपने पिंड पहुंचिया ते मापिया दे नाल-नाल परिवार दे नाल-नाल पूरे पिंड ने ही सरबजोत दा बड़ा ही शानदार स्वागत कीता, जिथे हर किसी ने सरबजोत दी गल च फुलां दे हार पाए, नोटां दे हार पाए, तां उत्थे पिता भी पुत नूं जफ्फी पा के रो पए, नाल ही मां भी अपने पुत नूं गल ला के मन भरन लग गई। तस्वीरां बेहद भावुक करन वालियां भी ने ते खुशी वालियां भी ने, जिथे सरबजोत ने पेरिस ओलंपिक दे विच मल्लां मारियां, कांसे दा मैडल जित्तिया ते फिर अपने जद्दी पिंड पहुंचन ते उसदा शानदार स्वागत कीता गया। मापिया तो यह खुशी चालनी हो रही है, ते तुसी देखो कि वे दोनों ने ही अपने पुत दी एक काबिलियत देख के अते जो पुत ने नाम रोशन किया है देश का मापिया दा, उसनु देख के दोनों का ही मन भर आया, दोनों दी ही अखां खुशी नाल नम हो गया। अगर मैं फ्लैशबैक करूं तो मतलब काफी अच्छा लगता है, मतलब देखते हुए सारा जो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ इतना मतलब टाइम स्पेंड और वो सारा कुछ, मतलब सारा फन मोड नहीं रहा सारा कुछ। अगर जब अगर मैं अच्छा भी बात करूं तो भी काफी फन थी, काफी अच्छा लगा मुझे। क्रेडिट किसको देना चाहते हैं, राणा जी को कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, फैमिली को सपोर्ट किया, तो क्या लगा जब मेडल मिलते ही अपने दिल में क्या आया? जब फर्स्ट रिएक्शन तो मेरा पहले ये था कि मैंने बस जितना भी करना है इंडिया के लिए करना है, मतलब इंडिया से प्रमोट किया है तो मैं ज्यादा प्रेशर फील करता हूँ। नहीं, सब कुछ सेम होता है, बस इसमें हाफ मैच कट जाता है, 30-30 मैच होते हैं और दोनों का 100% होता है। नहीं, बिल्कुल नहीं, सेम मतलब सेम एज पर जैसे इंडिविजुअल मैच होते हैं वैसे ही होते हैं। हाँ जी, चलती है वो तो। और एक साल थोड़ा मैं अकेला था बस में, फिर उसमें 2018 में से एक फ्रेंड मिल गया मेरे को चेतन, और मतलब काफी अच्छा था उस टाइम पे, दोनों मतलब फन करते आते थे जाते थे और हाँ काफी मतलब होती रहती है बात अभी हमारी, और आदित्य भी है मतलब साथ में, अभी आया नहीं हूँ, अभी उठ ही रहता है, उसको कॉल करी थी रात लेट हो गया काफी काफी अच्छा था। एंड मतलब उसको फिर पता नहीं लगा कि मतलब ओलंपिक में मेडल आया, उसको मम्मा ने बताया कि ऐसे सरब लेट से मतलब ब्रॉन्ज आ गया एंड वो सारा कुछ, फिर उसका दोबारा मेरे पास कॉल आया, फिर मैं पिक नहीं कर पाया सेकंड टाइम तक दोबारा। तो अपने दूसरे साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि वो भी एक और ओलंपिक के लिए एक कितना अच्छा नहीं है
देखते हैं बाकी रात को पता चलेगा कौन सा रखे हैं। बिफोर द ओलंपिक जब हम जाने लग रहे तो सभी अपने स्कूल गए थे वहाँ पे पेरेंट्स जाने वाले थे और सभी को ऑल द बेस्ट बोला और काफी मोटिवेट किया कि हर चीज से चलते रहते एंड कभी मतलब नेगेटिव वे में नहीं लेना उस चीज को भी। और जब आपके लाइफ में मेरी बात हुई तो काफी मतलब खुश थे एंड अभी 11 को पैड मिलेंगे अगला क्या चाहते हैं LA 28 जो मेहनत की सरबजोत की वो एक रंग लाई ओलंपिक्स के अंदर और काफी खुशी का विषय है हमारे अम्बाला और पूरे देशवासियों के लिए। बिल्कुल सर देखिए जब आप किसी सफर पे निकलते हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ चुनौतियां तो आपको मिलती हैं पर उन चुनौतियों से ही इंसान सीखता है और आगे बढ़ता है। बिल्कुल सर जो कहीं ना कहीं पे एक कसर एक हमारी रही है जो हम जो उम्मीदें थी हमारे से वो हम आने वाले नेक्स्ट ओलंपिक में जरूर हम कंप्लीट करेंगे और कोशिश करेंगे कि खरे उतरे आपकी सभी उम्मीदों के ऊपर। बहुत मतलब कि आज जो हम इस उपलब्धि को हासिल कर पाए हैं तो उसमें जो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं और जैसे कि टॉप्स की जो स्कीम है साई ने हमारे को हर तरीके की जो एक ट्रेनिंग के टाइम पे जो एक फंडिंग की जरूरत पड़ती है इंटरनेशनल कैंप्स के लिए तो वो हमारे को हर चीज़ प्रोवाइड की गई। हमारी जो फेडरेशन है पूरा सहयोग उनका हमारे लिए रहा तो काफ़ी मतलब एक अच्छी जो जरूरतें हमारी हो सकती थी सारी उन्होंने पूरी की। गाइडेंस इस तरीके से आप जैसे जैसे एक एज मैं खुद प्लेयर हूँ पहले तो उसके बाद हम उसके बाद हमने ये सफर शुरू किया कि कहीं ना कहीं जो चीज़ें मैंने एक स्पोर्ट्स पर्सन होते हुए नहीं अचीव कर पाए थे तो सर्वजोत मेरे को एक तरीके से उसको सर्वजोत के अंदर खुद को देखा खेलते हुए और जो ये सारे का सारा जो सफर है कहीं ना कहीं तभी जाके मुमकिन हो पाया। जो हमारा सर देश व्यू था अभी जैसे गर्मियों में सुबह हमारा 8 बजे से स्टार्ट हो जाता है और शाम के 6 से 7 बजे तक मतलब उसमें ग्राउंड भी इंक्लूड है 7 से 8 घंटे की हमारी ट्रेनिंग पर डे की रहती थी और पिछले 8 सालों से लगातार यही हमारा रूटीन रहा है। और सुबह में मॉर्निंग में जो सर्वजोत का रूटीन है वो 4:30-5 बजे स्टार्ट हो जाता है जो मॉर्निंग में उठ के एक्सरसाइज हैं योगा मेडिटेशन है उसके बाद उसका फिर यहाँ से घर से रेडी होके बस पकड़ के रेंज के लिए निकलना और शाम को फिर वही 7-7:30 बजे वो घर पे पहुँचता था और अर्ली मॉर्निंग फिर वही सेम 7 बजे यहाँ से घर से निकलना 8 बजे रेंज पे पहुँचना। देखिए सर जब एक प्लेयर अपने आप को जब माइंड सेट करके चलता है ना किसी चीज़ को करने के लिए तो कहीं ना कहीं वो नर्वसनेस तो मतलब इसको तो ये था कि मैं सर क्या कर दूँ यहाँ पे खड़ा होके वो नर्वसनेस नहीं थी कि मैं ओलंपिक्स में यहाँ पे आके खड़ा हूँ। मतलब एक होता है ना प्लेयर के अंदर यार मैं देश के लिए क्या कर दूँ यहाँ पे बस खड़ा होकर ये मेरे को प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ से मैं अपने देश का नाम रोशन कर सकता हूँ बस वो सारी चीज़ें इसके अंदर चल रही थी और उसने वो कर भी दिखाया। सर देखिए एक कोच को ट्रेनिंग तो इसीलिए करवाता है कि उसका जो बच्चा है वो तैयार होकर ओलंपिक जाए और वर्ल्ड लेवल में अपना नाम करेगा। बिल्कुल सर बिल्कुल सर मैं हरियाणा गवर्नमेंट से डिमांड करूंगा कि जिस तरीके का एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर अपने शूटिंग को चाहिए वो अभी अवेलेबल नहीं है हरियाणा के अंदर हमें आउटसाइड ही ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ता है। तो अचीवमेंट्स को देखते हुए जैसे कि मनु और सर्वजोत दोनों ही हरियाणा से आते हैं और उनके लिए कम से कम और मैं तो ये कहूँगा कि जैसे ओलंपिक मेडल इन्होंने लिया कि इनके नाम से ही जो एकेडमी है हरियाणा में स्थापित की जाए। हरियाणा जो डिस्ट्रैक्शन जो शब्द है वो तो एक नेगेटिविटी में चला जाता है जो नेगेटिविटी आज तक हमने आने ही नहीं दी है हर एक चीज़ को पॉजिटिव देखे होंगे तो वो कहीं ना कहीं आपको एक अपॉर्चुनिटी दिखती है तो हमें हर चीज़ को हर आने वाली हर बाधा को हमने अपॉर्चुनिटी देखा उनसे सीखा और आगे बढ़े।